देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म का बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते हैं। 14 तारीख को पुख नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है और गंगा सप्तमी है। सबसे पहले ये पुख नक्षत्र जिसके अधिष्ठात्रा गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं, वर्तमान में सूर्य अपनी राशि मेष में विराजमान है। इस दिन अगर वो नामांकन करते हैं तो जो 2014 में उन्होंने कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, वो अब साकार होगा। और 14 को नामांकन का मतलब ये है कि प्रचंड नहीं, एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित होगा। परिणाम देखिएगा, विरोधी ताश के उन दो जोकर के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे जिनका कोई कार्य नहीं होता है लेकिन गड्डी में मौजूद रहते हैं। पुख नक्षत्र बताया ना कि पुख नक्षत्र के अधिष्ठाता देवगुरु बृहस्पति हैं। समस्त कार्यों की सिद्धि और इच्छा से बढ़कर परिणाम देने वाला अगर कोई जटिल कार्य है और आप पुख नक्षत्र में रवि योग का पुख नक्षत्र और भौमवार का पुख नक्षत्र अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली होता है। इसलिए मंगलवार को जिस समय प्रधानमंत्री नामांकन करेंगे उस समय देव गुरु बृहस्पति का यह पुख नक्षत्र सूर्य का अपनी राशि में उच्च राशि में विराजमान होगा होना और साथ में गंगा सप्तमी, ये अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम पूरी दुनिया देखेगी और इसका लाभ प्रधानमंत्री के साथ साथ समस्त सनातनियों को भी मिलेगा।